सल्फर कैन बी रिमूव सर, सर आप कर सकते हैं सर। बेटा मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। देखिए ये पूछा गया आपसे कि सल्फर कैन बी रिमूव फ्रॉम और से आप सल्फर उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि और पार्टिकल्स होते हैं जो भी नेचर से हमें मिल रहे हैं, आजकल से आपने और को सेपरेट किया, फिर उसमें जितनी भी इंप्योरिटीज है उसको हटाने के लिए अलग अलग मेथड काम में लेते हैं, जिनमें से देखो आप उसको कंसंट्रेट करते हो डिफरेंट मेथड के थ्रू। यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछा कि सल्फर को कैसे हटा सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन में दे रखा था स्मेल्टिंग है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, हीट करोगे तो जो भी वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन इंप्योरिटीज हैं वो हट सकती हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको डायरेक्टली सल्फर दे रखा है, तो सल्फर होता है तो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे आपने हीट किया इसको तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करोगे किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, गैस फॉर्म में होती है, इजिली रिमूव हो जाती है। सेकंड आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था स्मेल्टिंग, और आपको ये पता है स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग तो रिडक्शन का एक मेथड होता है, ऑक्सीडाइज कोई भी ओर है उसको उसके मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो उसको रिड्यूस करवाते हो, रिडक्शन का मेथड होता है स्मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद में कैल्सिनेशन भी दे रखा था आपको, कैल्सिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन है उसके अब्सेंस में अगर आप हीट कर रहे हो तो उसका नाम होता है कैल्सिनेशन। अगर आप ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करोगे तो सल्फर रिमूव नहीं हो सकता, तो ये तो रिमूव कब होगा, जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएगा। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हमारे जो भी नोट्स हैं, हमारे जो भी वीडियो लेक्चर उन सब में ये चीजें डिटेल में बताई हुई है।